हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को पता ही होगा, आज भी टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है क्योंकि सिंगापुरी लैब में एक ब्लास्ट हुआ था जहां पर टार्डीग्रेड एक लिविंग थिंग जनरेट हुआ था। टार्डीग्रेड लिविंग थिंग एक ऐसा एनिमल है जो टेलीपोर्टेशन कर सकता है, वो भी क्वांटम फिजिक्स के साथ। आपने देखा ही होगा जैसे डोरेमोन अपने एनिमल डोर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, ऐसे ये टार्डीग्रेड लिविंग थिंग भी कर सकता है। टार्डीग्रेड क्वांटम पार्टिकल्स के साथ इंटेग्रेट होकर ये किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। और तो और, ये टेलीपोर्टेशन अभी भी आपके आसपास हो रहा है। आपको पता ही होगा प्लांट में जिस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे वो 100% एफिशिएंसी के साथ वो अपना काम करता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये कहानी आज से 15 साल पहले 2007 में शुरू हुई है, जब बर्लिन के न्यूज़पेपर में उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, जब हमारे सोलार पैनल्स अपनी 15-20% एफिशिएंसी रोज होकर दिखाते हैं, तो ये प्लांट्स अपनी 100% एफिशिएंसी कैसे दिखा रहे हैं, वो भी इस सनलाइट की वजह से। प्रोफेसर सेथ लॉरेंस ने 2007 से 2011 तक अपनी रिसर्च कंटिन्यू करी। प्रोफेसर ने अपनी आंखों के सामने अपनी लैब में इन्हें ग्रो होते हुए देखा, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी मुझे ही करना है। तब प्रोफेसर सेथ लॉरेंस ने 2011 में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कराई। उससे पता चला प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो मैग्नीशियम से जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग स्टेज से निकलता है तो वो कई सारे पॉसिबल्स प्रोबेबिलिटी लेकर निकलता है, और वो जब क्लोरोफिल ए के पास जाता है तो फोटोसिंथेसिस हो पाती है। इस बीच में ये प्रोसेस एक टेलीपोर्टेशन जैसा भी है।